उससे ताजो शरिया बरेली में 9 और 10 तारीख को होना है इस महीने की। तैयारियां कल तक जो चल रही थी अचानक उसमें बहुत तेजी आ गई है। नगर आयुक्त सैमुअल पाल आईएएस से मिलने के बाद इंतजामिया कमेटी के लोगों ने अपनी बात रखी है, उनकी बात सुनी है और आज सुबह से ही ट्रैक्टर ने लेवलिंग का काम शुरू कर दिया है इस्लामिया कॉलेज के मैदान पर, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इंतजाम बेहतर होंगे ऐसा भरोसा सैमुअल पाल NIS नगर आयुक्त बरेली ने दिया है। कल वो खुद भी बरेली के इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में पहुंच रहे हैं। वार्ता के दौरान इंतजामिया कमेटी से क्या क्या बातें हुई हैं हम वो भी सुनवाने जा रहे हैं। नगर आयुक्त सैमुअल पाल एन क्या बोले हैं वह भी आपको सुनवाएंगे, साथ ही दिखाएंगे इस्लामिया कॉलेज में कैसे चल रहा है इंतजाम। बने रहिए हमारे साथ, दिखाते रहेंगे पल पल भर की रिपोर्ट। मालूम है उसको 5 लाख से ऊपर ही मेरा उम्मीद है इसमें सर, 5 लाख के ऊपर आएंगे। SSP सर से उससे डिस्कस हुआ है सर, सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपको अच्छा सब कुछ करेंगे। एक सर और गुजारिश की थी आपसे, जैसा आपने कहा कि जो इस्लामिया इंटर कॉलेज की जो न्यू बिल्डिंग है सर, उसमें कुछ लोगों ने उसमें परमानेंट फूटे और रस्सियां बांध कर बेरी बना दी बिल्डिंग, और इस तरह की लोगों का घर भी सर, तो उसको थोड़ा सा अगर आप अभी हम लोग नगर नियम हटा रही और रात में सुधार कर देते हैं सर, तो उसको थोड़ा सा कहते हैं नामा में उनका पूछ वो पीछे साइड में आ जाओ, हम दिखा दें आपको सर पॉइंट बता दें। नहीं 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 कल जाइए ठीक है, कल मेरे साथ आइए ठीक है। और जो खराब पड़ी हुई है ये पूरी कुतुब खाने वाली रोड, आप पेट्रोल पंप से लेकर पूरी रोड की लाइट है मेरे घर से देखिए। उर्से ताजो शरिया के आयोजक बरेली नगर निगम में पहुंचे हुए हैं। अभी कुछ लम्हे पहले आपके नगर आयुक्त बरेली सैमुअल पाल आईएएस से बात हुई है, क्या क्या वार्ता हुई है मेंबर साहब? हमने उर्स के संबंध में नगर आयुक्त से बातें करी, अपने जो हमारी तैयारियां हो रही हैं और जो रह गई नगर निगम की, जो कमियां रह गई नगर निगम की, उसे अवगत कराया गया कि ये जल्दी से जल्दी करा दी जाए क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं और आज 3 तारीख हो गई है, 5-6 दिन बचे हैं। तो हमें आश्वासन दिया नगर आयुक्त ने कि जल्दी से जल्दी, कल मैं खुद जाके दौरा करूँगा, जो चीज़ रह गई हैं उन्होंने PWD चीफ से बात भी करी है, एक्सीएन साहब से कुछ रोड उनकी थी PWD की, वहाँ से वो करेंगे और जो नगर निगम का काम है उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 2 दिन तक पूरी कर देंगे। सुल्तानी भाई, क्या आप नगर आयुक्त से बात करने का मुतमईन है, क्या काम हो जाएगा? नहीं, हम बिल्कुल मुतमईन है, इससे पहले भी हमारी नगर आयुक्त साहब से बात हो चुकी थी और जो जो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था वो इस्लामिया ग्राउंड पे आश्वासन के मुताबिक वो काम दिख रहा है। नगर निगम के जितने भी विभाग हैं, चाहे निर्माण विभाग की बात हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात हो, जितने भी विभाग हैं सब लोग वहाँ काम कर रहे हैं बराबर, और जो कमियाँ खामियाँ रह गई हैं अभी नगर आयुक्त साहब ने हमें आश्वासन दिया है, कल वो वहाँ मौका मुआयना करेंगे और मौके पर देखकर जो भी कमियाँ रह गई हैं उन सारी कमियों को पूरा किया जाएगा। हमने ख़ास तौर से ये मांग की है कि महानगर के जितने भी रास्ते हैं जिन पर गड्ढे हो गए हैं, जायरीनों को परेशानी होगी तो उन गड्ढों पर पैचिंग के लिए हमने बात की और प्रकाश व्यवस्था की भी बात की है, प्रकाश व्यवस्था भी उन्होंने कहा पूरी तरीके से वो हम सारी व्यवस्थाएं करा देंगे और जो कमी है मौके पर देकर। शुक्रिया सुल्तानी भाई, शुक्रिया। आज हम फिर आपको इस्लामिया कॉलेज के मैदान में लेके आए हैं, कल की तस्वीर कुछ और थी लेकिन काव काव न्यूज की खबर चलने के बाद आज नगर निगम प्रशासन और संजीदा हो गया है, ट्रैक्टर चल रहा है, लेबलिंग का काम शुरू हो गया है, मेरे कैमरे की नज़र में आप देख भी रहे होंगे लगातार ट्रैक्टर से उर्स स्थल को लेबल किया जा रहा है कि दौराने उर्स कहीं पानी ना भरे, और देख रहे होंगे आप ये ट्रैक्टर लगातार सुबह से लेबलिंग का काम यह उर्स मैदान पर लगातार चल रहा है, चारों तरफ पानी के गड्ढे भरे जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पर भर गया था पानी वहाँ मिट्टी डाली जा रही है। मैं अपने कैमरे से आपको लिए चलता हूँ उस जगह पर, आप खुद कैमरे से देख पाएंगे कि नगर निगम के नगर आयुक्त सैमुअल पाल से मीटिंग भी हो चुकी है आयोजकों की, उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया है कि कल शाम तक मैदान का कायाकल्प हो जाएगा, जहाँ पानी भरता है वहाँ गड्ढों में पानी नहीं भरेगा। दिन भर आज नगर निगम की टीमें काम कर रही हैं, सुबह से हम दिखा रहे हैं ग्राउंड के अंदर का मैदान,
और आपको लेके चलेंगे। इसके बाद हम मुख्य द्वार पर मेन गेट पर। सब नगर आयुक्त बरेली आईएएस क्या कहना चाहेंगे सर, आज आयोजन समिति के लोग मिले थे उर्स से संबंधित, उसका जो पहले बार होना है 9-10 तारीख को शेड्यूल्ड है, तो उसके संबंध में इनके आयोजन समिति के द्वारा आके दो बार मुलाकात हुई है मेरे द्वारा, और हमारा जो भी स्वास्थ्य विभाग से काम होना है, टॉयलेट की स्थापना और यूरिनल्स होना है, उसमें भी इस बार ओडरलेस टॉयलेट्स के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे कुंभ मेले में हम लोगों ने प्रयास किए थे उसके हिसाब से वो छोटे लेवल पे हम लोग इसको प्लानिंग कर रहे हैं, और बाकी हमारा जल कल विभाग द्वारा पानी का व्यवस्था, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था पूरा किया जा रहा है, और हमारे लाइट सुपरिटेंडेंट भी यहाँ पर मौजूद हैं, सो उनके द्वारा भी जो भी व्यवस्था, लाइटिंग व्यवस्था करने वो भी करा दिया जा रहा है, और जो भी छोटे छोटे हमारे निर्माण विभाग द्वारा पैच वर्क होना है रोड्स पे, सो जैसे हम लोगों का ट्रैफिक थोड़ा सा स्मूथ हो सकता है, सो उसको भी हम लोग काम कर रहे हैं। कल मेरे द्वारा हमारे टीम के साथ वहाँ पर मुआयना की जाएगी, और जो भी कमियाँ हैं एक दो दिन में उसको पूरा ठीक किया जाएगा, और मतलब बहुत अच्छे तरीके से इस